तो काफ़ी समय से लोग कह रहे थे आपकी ट्यूब ही कहाँ है, वो कहाँ बंद है। तो अपने गैराज में ही है ट्यूब ही, ठीक है। और सेंट्रल लॉकिंग देखते हैं काम कर रही है, इसका मतलब बैटरी इसकी सही है। वैसे इसको 60 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं इसको, ठीक है। और नहीं, अभी चेंज कराई थी इसकी थोड़े टाइम पहले ही बैटरी, क्योंकि जो इसको वैसे 4.5 साल हो चुके, 4 साढ़े 4 आई थी ये जब लॉन्च हुई थी, तभी इसको हमने खरीदा था। क्या टीवी कॉपीराइट इशू, ठीक है। तो फ्यूल ठीक ठाक है अंदर, ठीक है। रेंज बता रहा है 186, और अभी जो चल रही है मोटर ये ऑफ हो गई, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, जो फ्यूल है उसको आगे पहुंचाती है, ठीक है। गियर देखो न्यूट्रल में, फर्स्ट में था इसलिए न्यूट्रल में किया, और अब करते हैं। देखो बड़ी गाड़ियाँ होती है उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, बेसिकली वो इजीली ऑन हो जाती है, ठीक है। लेकिन लोग समझते हैं कि यार 1-2 महीने पड़ी रहेगी कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी ट्यूब भी तो 2-2, 3-3 महीने तक क्यों पड़ी रहती, क्यों हम बाहर जाते नहीं, तो उसको यूज़ करते नहीं है इसलिए। और समथिंग गैराज है तो ये सारी चीज़ें तो होनी ज़रूरी है, कि गैराज की शोभा बढ़ाती है ये चीज़ें। और देखा जाए तो एकदम क्लीन है, क्योंकि इसको जब सर्विस कराई थी, मतलब मार्च में इसको सर्विस कराई थी हमने, शायद 18 या 17 को कराई थी हमने, ठीक है। उसके बाद में ये यहीं पर रही, इसको लेके नहीं गए ये तो महिंद्रा वाले, ठीक है। एकदम देख सकते हो एकदम ओके एंड कंडीशन में, क्योंकि हमने इसको कहीं चलाया ही नहीं, तो कहीं बेसिक जाने वाली है नहीं। अब थोड़ा इसको आगे भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना।